हमारा भारतवर्ष सिर्फ एक देश नहीं, एक राष्ट्र पुरुष है। और जब जब इसकी आन बान और शान को कोई भी खतरा मंडराता है तो हमारे देश के जांबाज योद्धा अपनी जान की बाजी लगाकर उसकी रक्षा करते हैं। हमारा ये एपिसोड उन्हीं जांबाज योद्धाओं को समर्पित है। तो कुछ ऐसे शुरू हुआ हमारी राइड का 10वां दिन। तो जैसे ही हम अपनी बाइक्स पर पहुंचे तो हमसे मिलने आ गए ये प्यारे प्यारे लोग, जिन्होंने हमें ढेर सारी बेस्ट विशेस दी और कॉन्ग्रेचुलेट किया हमारी राइड के लिए। गुड मॉर्निंग गाइज, अभी बिल्कुल फिट हो गया, फोटो सेशन वगैरह हो गया, बहुत एंथुसियास्टिक लोग आए थे हमसे मिलने के लिए। और अब हमारा काम खत्म, हम यहाँ से निकलेंगे, बिना देर किए हुए पेट्रोल लेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे करगिल के लिए। करगिल वॉर मेमोरियल विजिट करना है, अगर शाम हो गई तो वहीं रुक जाएंगे और नहीं तो फिर श्रीनगर, फिर रास्ते पर मिलते हैं। पेट्रोल पंप पे हम आ गए, काफ़ी अच्छी यहाँ पर भीड़ है, बहुत बेकार काम हो गया, अब तक निकल गए होते हैं। ये हाईवे हमने पकड़ लिया है, आगे सीधे जाना है हमको। ये हाईवे सीधे श्रीनगर हाईवे है, जिसमें एक थोड़ा सा एक पैच है जो कि जुजिला पास का है, जिसमें 7-8 किलोमीटर का ऑफ रोड मिलेगा, बाकी सब रास्ता साफ है, कोई भीड़ नहीं, कुछ नहीं, बहुत आराम से सफ़र हो जाएगा जैसा कि अभी तक हमने सुना है। अब एक्चुअल में क्या सिचुएशन है वो हमें जाके ही पता चलेगी। लेह सिटी से महज 4 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद हमें मिलता है हॉल ऑफ फेम, जो कि एक म्यूजियम है और इंडियन आर्मी ने उसे बनाया है, जहां पर रखे हैं इंडो पाक वॉर्स के बहुत सारे सुवेनियर्स, फोटोग्राफ्स, आर्टिलरीज, टैंक्स और बहुत सारी चीज़ें। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है MiG-21 और उसके आगे खड़ा था हमारा चीता हेलीकॉप्टर, जो हमें इंडियन आर्मी की शान के बारे में बताता है। बढ़िया रोड है, NH-1 कहते हैं इसको, ये नेशनल हाईवे 1 है जो कि श्रीनगर से जुड़ता है, जाकर के रेस्ट ऑफ इंडिया को जोड़ता है। तो हम वहाँ से थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि हमें मिला पत्थर साहिब गुरुद्वारा। इसकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो अगर आपको नहीं पता है तो आप इंटरनेट पर अभी सर्च करके उसे जान लीजिए। तो खैर, हमने वहाँ पर अपना सर झुकाया और उनसे प्रार्थना करी कि हमारे आगे का सफ़र और भी अच्छा हो। यहाँ से कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद हम पहुँचने वाले थे मैग्नेटिक हिल। तो मैग्नेटिक हिल आने के बाद हमने वो स्पॉट ढूंढा जहाँ पर गाड़ी खड़ी करने के बाद इंतज़ार करते हैं कि गाड़ी अपने आप आगे बढ़े, पर हमारे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो हमने अगल बगल का लैंडस्केप एक्सप्लोर किया, देखा कि वहाँ सब रेगिस्तानी था और कोई ATV भी नहीं दिखाई दे रही थी। हाँ, लोग फोटोग्राफी ज़रूर करा रहे थे रोड के बीच खड़े होकर के। तो भाई मैं भी पीछे क्यों रहता, मैंने भी एक अच्छा सा वीडियो शूट कराया अपनी बाइक के साथ अपना। ये तो ये है कॉन्फ्लुएंस जंस्कार का। वाओ, यू कैन स्पॉट टू कलर्स ऑफ वाटर कॉन्फ्लुएंस, जो कि निम्बू ऑन ले श्रीनगर हाईवे द कॉन्फ्लुएंस ऑफ इंडस सिंधु, इन सिंधु और जंस्कार रिवर का एक कॉन्फ्लुएंस है, यहाँ पर दिखता है बहुत अच्छे से, विजिबल है। वाओ, ले हाईवे पर आर्मी की मूवमेंट्स बहुत यूजुअल है, लेकिन आर्मी के जवानों से हाय बाय करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। आगे बढ़ा तो मुझे मिला एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा। ये भी एक आर्मी का कोई छोटा सा बेस है, बहुत ज़्यादा नहीं, यहाँ मिसाइल लॉन्चर्स लगे हुए हैं, देख रहे हैं आप, बहुत साफ अगर दिख रहा हो, यहाँ पे मिसाइल लॉन्चर्स लगे हुए हैं पूरे में, रडार लगा हुआ है। वाओ, फिर हमें थोड़ी दूर पर इंडस रिवर, जिसे हम सिंधु रिवर भी बोलते हैं, उसे करीब से देखने का आनंद प्राप्त हुआ। पानी बिल्कुल नीले रंग का था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसके बगल में चलते चलते तो हम तो बिल्कुल मन ही मन गाना गाने लगे। मेरे हाथों को आप देख सकते हैं, वाह कितना खूबसूरत है ये। लामायुरू मॉनेस्ट्री है, बहुत पुरानी मॉनेस्ट्री है, बौद्ध धर्म की। अगर आपको ऊपर दिख रही है तो आप देखिए, बहुत खूबसूरत है, यहाँ से साफ दिखेगी, ये देखिए। हाँ,
उस समय में यहाँ बहुत पुराने समय के मकान हैं, ये बिल्डिंग हैं, दो दो तीन तीन फ्लोर के बनते थे यहाँ पर। हमें जाना है करगिल, वो 75, यानी अगर हम द्रास जाएंगे तो वो हमको 134 पड़ेगा, और जुजीला 177, सोनमर्ग 195। वाओ, अभी लगभग 75 किलोमीटर दूर हैं हम करगिल से, और 126 हैं हमारी अपनी मंजिल, जो कि है हमारी करगिल वॉर मेमोरियल, जहां हम जाएंगे। वहां बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी हुई जो हमें करगिल युद्ध की याद दिलाएगी, जिसके लिए हम विजय दिवस भी मनाते हैं। एल्टीट्यूड है 12,198 फीट। आई लव नामीकाला लिखा हुआ है यहाँ पे, तो नामीकाला ये जगह है। एक इधर से ले जाते हैं, इधर करगिल जाते हैं, हम करगिल की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिलते हैं। मन तो करता है सब जगह उतर उतर के फ़ोटो खिंचा लें, लेकिन क्या करें, हम अपने शेड्यूल से इतना लेट हो चुके हैं कि हमें आज ही, वो भी बंद होने से पहले पहुंचना है करगिल वॉर मेमोरियल। करगिल वॉर मेमोरियल मेमोरियल निकला था मेरे मुँह से। पहाड़ देखने वाले हैं, कितने खूबसूरत हैं, हवा के कटाव से ऐसे बन गए। ये वो वैसा लगता है जहाँ यूएस में उनके मूर्तियाँ नहीं बनाई गई हैं कैसे काट काट के पहाड़, वो किसी चेहरे, शायद आई गेस प्रेसिडेंट्स के, वो नाम नहीं याद आ रहा मुझे, बट तो कोई जगह है जहाँ पर चेहरे बने हुए पहाड़ पे। वाह, इन पे भी बनाए जा सकते हैं। करगिल 26 किलोमीटर्स है यहाँ से, पर हमको उससे भी आगे जाना है वॉर मेमोरियल। पहले हम वहाँ जाएंगे उस देख के, उसके बाद वापस करगिल, या वहीं कहीं कोई होम स्टे लेकर के रुक जाएंगे। ये है प्लान, पर इस ये प्लान तो सिर्फ अभी हम ही बना रहे हैं, बिकॉज जो हमारे साथी हैं वो इतनी ज़्यादा आगे निकल गए हैं, अब उससे डिस्कस करना पड़ेगा जब वो मिलेंगे हमको तब। क्यों भाई, आगे नहीं चलना है? चलना है आगे? नींद ये भी सो रही है पीछे पीछे? नहीं सो रही, गर्म हवा बहुत गंदी। अपने साथी ओम से दोबारा मिलने के बाद हम आगे बढ़ चले, और आगे हम पहुंच गए कारगिल टाउन। और जैसा कि देख सकते हैं बीचों बीच से वो नदी बह रही है। अभी तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं है उसमें, तो नदी के बीचों बीच में कई सारे डेल्टा दिख रहे हैं, और बहुत खुला खुला बना हुआ है ये करगिल टाउन। तो ये वो ब्रिज है जिसे हम क्रॉस कर रहे हैं। ये जगह कारगिल है, मुंशी अजीज भट्ट। ये कौन सी रिवर है, ये कौन सी रिवर है, रिवर का नाम क्या है, नदी का नाम है सुरू रिवर। ओके, इस तरफ जाना है हमको, इधर तो ओके। सुरू रिवर को पार करने के बाद हम पहुंच गए करगिल की लंबी सी मार्केट में, जहां बहुत सारी शॉप थी। थोड़ी देर में हम पार कर जाएंगे सिटी, लेकिन ये टाउन में बहुत सारी चहलकदमी है। हाँ, यहाँ पे सब कुछ उर्दू में लिखा है, जो हमारे पल्ले तो नहीं पड़ने वाला है। हाँ, लोगों ने एक साइड गाड़ी लगाई हुई है, या जाम लगा हुआ है भाई, गाड़ी लगाई है। अरे हाँ, पार्किंग करिए भैया, आधी रोड पे पार्किंग है और आधी रोड पे रोड लोग चल रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या किया जाए, इतनी पतली पतली गलियों में निकलना तो है ही लोगों को, और शॉपिंग भी करनी है।
इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली हैं और 450 मीटर अब तो 400 मीटर पे ही हमारा करगिल वॉर मेमोरियल आ गया है और हम यहाँ से गाड़ी अंदर करेंगे। 4:02 पे हम पहुँच गए हैं। यहाँ से रास्ता नहीं है, आगे से है, बाइकर्स ने भी वहीं लगाया हुआ है। टोलोलिंग पेड पार्किंग, ये तो कार पार्किंग आई गेस, बाइकर्स का पार्किंग उधर है। तो बाइक यहाँ लग गई है, वो हमारे भारत का झंडा है। हाँ, पहुँच गए भाई करगिल वॉर मेमोरियल। यहाँ पर समय से पहुँच गए, 4 बजे पहुँच गए, 5 बजे ये बंद हो जाता है और कल सैटरडे है शायद, कल संडे है शायद, तो कल संडे को बंद रहेगा ये, तो आज खुला है। आज ही घूम लेते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या है। सामने रुकने का भी जगह है शायद, होटल एंड रेस्टोरेंट, अगर आसपास रुकने का मौका मिला तो रुक जाएंगे, फिर कल निकलेंगे। ऑल राइट, सो अंदर जाके मिलते हैं फिर। करगिल वॉर मेमोरियल का पहला व्यू आपको मिल रहा है सिर्फ टाइमलेस ट्रैवल टेल्स पर। आप प्रतिस्पर्धा में सिर्फ 2 लोग हैं। अच्छा, ये मौका मिला है बहुत अच्छा। हम लॉट्स ऑफ कूडोज टू दिस गाय, दिस गाय, यू कैन सी दिस गाय, एंड साथ में आया। अब करते हैं अंदर एंट्री जी। आफ्टर द इंस्ट्रक्शंस हमें अंदर जाने को मिल गया और सबसे पहला जो हमें दिख रहा है ये MiG 21 आई गेस, आई डोंट नो, आई हैव टू गो नियर एयरक्राफ्ट। दिस इज द कॉकपिट जहाँ हमारे पायलट बैठ करके उन्होंने दुश्मनों की सारी रसद पानी सब तोड़ दिया था, सो दैट वो वहाँ पर स्टैंडर्ड हो गए थे और हम उन्हें भगाने में कामयाब रहे। सो हाउज यू लिटिल गाय, क्या नाम तुम्हारा? इशप्रीत। सो से हाई टू माई ऑडियंस। हाई। ओके, कैप्टन निक जाओ केंगुर से। सो महावीर चक्र मिलाए हैं तो वो हमारा फ्लैग है। फ्लैग का वजन मैंने जो पढ़ा है वो 5 kg है और बहुत खूबसूरत है। इसी वॉर मेमोरियल को देखने के लिए हम लोग आए हैं। अंदर एक डॉक्यूमेंट्री भी चलती है 10 मिनट्स की, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो बहुत अच्छा डेकोरेशन किया, बहुत सुंदर बनाया हुआ है और ये मेजर विवेक गुप्ता जो भी हमारे कारगिल के योद्धा रहे हैं सभी का यहाँ पर, सभी की मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है। तो अब क्या क्या चीज़ें तुम्हें इसके बारे में पता हैं बताओ मुझे। मुझे बहुत कुछ पता है। बताओगी तभी तो पता चलेगा सबको। सो ये हमारा, तेज बोलो, ये जो मेमोरियल है वो इंडियन आर्मी के थ्रू बनाया गया है जो कि हमारे इंडियन आर्मी ने जो पाकिस्तान के साथ 1999 में जो वॉर लड़ा था, बिकॉज पाकिस्तानी ट्रूप्स इंडिया को, इंडिया में इन्वेड करके दो हिल्स को कैप्चर किया था उन लोगों ने, वन वॉज टाइगर हिल एंड वन अनदर वॉज टोलोलिंग हिल, और देन उसके बाद इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था ऑपरेशन विजय, और इस ऑपरेशन के थ्रू जिनके लिए 3 साल काम करने के बाद भी इंडियन आर्मी ने बहुत ही ब्रेवरी के साथ पाकिस्तानियों के साथ लड़ाई की और फतेह पाया, और इसमें बहुत सारे जवानों की, बहुत सारे लोगों की जाने गई थी और जितने भी लोगों ने इसमें वॉर लड़ा था उनके सारे वहाँ पे आप नाम देख सकते हैं। अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे जितने भी हमारे जवान यहाँ शहीद हुए थे उन सब का यहाँ पर, उनकी मेमोरी में यहाँ पर उनके नाम के साथ एक पत्थर भी लगाया गया है, जैसे एच के रैना, राजकुमार भट्ट राय, आंचल कुमार, ओम बहादुर बाल्मी,
सभी के नाम है। आई गेस 557 लोगों ने यहाँ पर शहीदी दी थी, समथिंग लाइक दैट। इस जगह को वीर भूमि कहते हैं, जहाँ ढेर सारे वीरों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने अपनी शहादत दी थी हमारे देश को बचाने के लिए। तो यहाँ पर बैटल ऑफ जोजिला, असागा ऑफ विलर, चार राजपूत, 7th लाइट कैवेलरी, फिफ्थ गोरखा राइफल्स, इंजीनियरिंग रेजिमेंट, पैराशूट फील्ड रेजिमेंट। हमें आज करगिल में, और मैं बहुत छोटा था, 99 की बात है, हम टीवी पे देखते थे, तब दूरदर्शन देखा जाता था हमारे घरों में, तो करगिल युद्ध की सारी खबरें आती थी। बहुत एकदम रोना भर जाता था जब पता चलता था कि युद्ध हो रहा है, युद्ध के बीच में बहुत सारी कैजुअल्टीज हो रही हैं। और कैसे होता था उस समय, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने, उनके नेतृत्व में हमारे देश हमारे सारे जवानों के साथ खड़ा रहा और इस युद्ध में हमने विजय प्राप्त की। ये बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य और गौरव की बात है कि हम अपनी देश की रक्षा इतने काबिल हाथों में, हमारे देश की रक्षा इतने काबिल हाथ करते हैं। और ये बहुत ही सौभाग्य की बात हमारे लिए है कि हम अपने सफ़र में यहाँ तक पहुँच पाए, अदरवाइज़ कैसे होता सब कुछ, बड़ा मिस करते, फिर छूट जाती अगर ये जगह सीधे, ये पूरा सर्किट अब हमारा पूरा हो जाएगा। यहाँ से अब हम कश्मीर निकलेंगे, कश्मीर से हम आगे बढ़ेंगे। बैंगलोर पीक ना ऊंचे छोटे, वही टाइगर, वो टाइगर हिल्स है। और सर टोलोलिंग कौन सा है? टोलोलिंग आपके सामने वाला है, ये वाली टोलोलिंग है, ये टोलोलिंग है। हाँ जी, ये टोलोलिंग और टाइगर हिल, ये टोलोलिंग पहाड़ है जिसमें दुश्मन ने कब्जा कर लिया था और फिर हमारे वीर जवानों ने उसे वहाँ से वापस पाया, अपने रिकैप्चर किया, अपने अपने साहस के बलबूते पर और अपनी शहादत के बलबूते पर। और वो सबसे ऊपर जो ट्रायंगल का शेप दिख रहा है, दैट इज़ टाइगर हिल्स। अरे सामने ये इतनी बड़ी, इतनी मैसिव तोप है, तोप ही बोलेंगे, द वेरी फेमस बोफोर्स गन। और ये बोफोर्स गन इतनी ज़्यादा ताकतवर है कि 155 mm का राउंड फायर करती है ये, और जो इसमें गोले लादे जाते हैं तो ये 170 kg तक के राउंड से कैरी करके मूव कर सकती है, इट कैन मूव, व्हील्स आप देख सकते हैं। और ये बहुत ही एजाइल और बहुत ही फंक्शनल गन है, और इसने बहुत सारा नुकसान पहुंचाया है सारे दुश्मनों को। तो अब हम चलेंगे गैलरी देखने, उसके बाद हम देखेंगे वीडियो। तो 10 मिनट की वीडियो हमने देखी और आँखों में आंसू ला देने वाली वीडियो है ये, और इसमें सब कुछ बताया गया। आवाज़ अमिताभ बच्चन की थी, उन्होंने सब कुछ बताया कि कैसे कैसे क्या क्या कॉन्स्पिरेसी हुई थी जिसकी वजह से ये युद्ध हुआ, पाकिस्तान की कितनी गंदी नीयत थी इस हमारे देश में, उसने जो अवैध घुसपैठ की थी कई पहाड़ियों पर, और हमारे जाबाज योद्धाओं ने अपनी जान पर खेल करके हमें वापस हमारा देश की एक एक इंच ज़मीन वापस दिलाई, उसके लिए हम उन्हें नमन करते हैं। और आप भी जब भी आइए यहाँ पर तो ये वॉर मेमोरियल ज़रूर विज़िट कीजिए। ये द्रास में है, और करगिल से आप 50 किलोमीटर आगे आएंगे तो द्रास पड़ता है और श्रीनगर उसके बाद पड़ता है, तो यहाँ वॉर मेमोरियल ज़रूर आइए और एटलीस्ट आधा घंटा दीजिए, एंड यू विल बी प्राउड ऑफ योर कंट्री। आई लव, सीरियसली आई लव दिस माई विज़िट, और मैं शायद कभी मौका मिलेगा तो फिर से यहाँ आऊँगा। एनीवेज अब यहाँ से अभी गया है ओम अंदर देखने के लिए, बिकॉज ही वॉज समवेयर एल्स, तो अभी वो वापस निकलेगा तो हम वापस अपनी राइड शुरू करेंगे। डिसाइड करते हैं कि हम कहाँ जाएँ आज, श्रीनगर अगर कर लेंगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर हम यहीं पर रुकते हैं, यहीं पर। ऑलराइट,